हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। तो क्या स्पेशल मिठाई बना रहे हैं आप इस दिवाली बच्चों के लिए? कंफ्यूज हैं तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। और आपके साथ आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और उसको बनाने के लिए कुछ कुक भी नहीं करना पड़ता है। ना अमेजिंग? तो चलिए देखते हैं हमें चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आने वाली वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम एक बोल में 1 कप मिल्क पाउडर ले लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 कप पाउडर्ड शुगर, 1/2 कप कोकोनट पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी लम्स ना हो। अब हम इस मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हम दूध ऐड करना स्टार्ट करेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा दूध आपको ऐड करना है, इससे हमें डो बनाना है। अब हम इस बोल में दूसरा पोर्शन भी ले लेंगे और उसमें 1/2 टीस्पून कोको पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें भी थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है। एक फॉइल पेपर ले लेंगे और अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस फॉइल पेपर पर अपने डो को, जिसमें कोको पाउडर नहीं है, उसको पहले प्लेस करेंगे और उसको फ्लैट करेंगे। उसको हम एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में बना लेंगे। अब हमने जो अपनी कोको पाउडर से डो बनाया था, हम उसको भी प्लेस कर देंगे हम इस व्हाइट वाले डो के ऊपर। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम उसको शेप दे देंगे। शेप देने के लिए आप हैंड से भी उसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रिजर में रख दें ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। फ्रीजर से निकाल लें और अब आप इसको कट करना स्टार्ट करें। आप इसको स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आप नाइफ में थोड़ा सा घी लगा लें ताकि वो स्टिक ना हो और इजीली कट हो जाए। ये देखिए हमारी बर्फी कट गई है और हमने साइड्स को अलग से रख दिया है। ये देखिए हमारी चॉकलेट बर्फी बिल्कुल तैयार है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और सिल्वर वर्क लगा देते हैं। अब जो हमारी साइड्स बची हुई थी उनकी हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं और हमारी मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। इस पूरी मिठाई को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगे। इंजॉय करिए और ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा।